नॉर्थ ईस्ट, भगवान शंकर का घर, भगवान शंकर का परिवार, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। यहाँ का जो ग्रह है वो जुपिटर और केतु, यहाँ का ग्रह माना जाता है नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट जो है सात्विक गुणों की जगह है, नॉर्थ ईस्ट इज ए सात्विक गुण, सात्विक गुण क्योंकि जुपिटर केतु का स्थान है और सात्विक गुण है गुरुदेव आगे सात्विक, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में कभी भी बेडरूम एक्टिविटी करना वर्जित है। एब्सोल्यूट नो फॉर अ यंग कपल बेडरूम इन नॉर्थ ईस्ट, एब्सोल्यूट नो। ठीक, नॉर्थ ईस्ट, अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आज उनका रूम आ भी जाता बेडरूम तो इट विल गिव नकारात्मक रिजल्ट और हो सकता है परिवार के पनपने में, ग्रोथ में भी दिक्कत आ सकती है। तो इससे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो जो कि वजन रखना है 0%, यहाँ पे बिल्कुल हल्का होना चाहिए। दी वेट एक्टिविटी एब्सोल्यूट नो, एज बेस्ट पॉसिबल रिड्यूस द वेट्स। नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट इसका है, नॉर्थ ईस्ट का वाटर एलिमेंट है, अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ से निकलती है। जब सूर्य की भीनी भीनी किरणें होती है उसकी जो रेज का कलर होता है वो नॉर्थ ईस्ट से निकलता है, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज का कलर होता है, वो ऊर्जा का कलर होता है, अमृत समान ऊर्जा का कलर होता है वो। इट गिव पॉजिटिवनेस, इट गिव्स गुड रिजल्ट्स नॉर्थ ईस्ट में। कफ, कफ इसका जो दोष है वो कफ है, उसका कफ है, कफ इसका त्रिदोष है और ये एक पॉजिटिव जोन मानी जाती है नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट की जोन बच्चों के लिए अच्छी है, बुजुर्गों के लिए अच्छी है, बच्चों को इंसाइट्स मिलती है, बुजुर्गों को मेडिटेशन के लिए अच्छा रहता है, इट इज ऑलवेज गुड दैट वे। नॉर्थ ईस्ट को जो है भाव नंबर 2 और भाव नंबर 3 रिलेट करता है, या थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ मैं इसको, वैसे ये मकान कुंडली का पार्ट ज्यादा है बट जस्ट फॉर दी इंसाइट्स। नॉर्थ ईस्ट रिलेट टू दी मोर ऑफ भाव नंबर 2, तो दूसरे भाव को नॉर्थ ईस्ट दूसरे भाव को तीसरे भाव को, मतलब मकान कुंडली का तरीका अलग है, सो जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट्स लिटिल डिफरेंट। ठीक है, तो मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, मैं आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल तरीका आपको। ये कुंडली बनाई, ये कुंडली बनाई हमने, ठीक है, तो इस कुंडली में अगर हमने यहां पे लिखा ईस्ट, यहां पे लिखा वेस्ट, यहां पे लिखा साउथ, यहां पे लिखा नॉर्थ, ठीक है, ऐसी होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमने यहां पे लिख दिया नॉर्थ ईस्ट, यहां पे लिख दिया हमने साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यहां पे लिख दिया साउथ वेस्ट। इस तरीके से मैं आपको ये समझा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स नॉट मकान गुल्ली, इट्स नॉट एनी अदर पॉइंट हियर इज, जो दूसरे नंबर, इसको कैसे रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो दूसरे नंबर होता है वो फैमिली का होता है, कुटुंब परिवार का होता है, ठीक है, वो हमारी अपनी जो अक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका होता है, फेस स्पीच का होता है, और तीसरा भाव होता है गॉड गिफ्ट का, गॉड गिफ्ट क्वालिटीज जो हमारे में होती हैं, हमारे बीच जो क्षमता है जो मालिक के द्वारा दी गई है, पड़ोसी हमारे सिबलिंग्स इनका होता है। तो नॉर्थ ईस्ट भी जो है कुछ ऐसा कि कुछ भगवान के द्वारा दी गई हमारे अंदर क्षमताएं, हमारे अंदर विजन, क्लैरिटी, स्पीच, थॉट, वो नॉर्थ ईस्ट का जोन हुआ। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट को भाव नंबर 2 और भाव नंबर 3 से। ठीक, बात आती है ईस्ट की, ईस्ट का जो भाव होता है, ये ईस्ट का भाव हम सबको पता है इंद्र देवता का फील्ड है, इंद्र देवता सूर्य देव वहां के प्लैनेट है, सात्विक और राजसिक गुण है वहां का, सात्विक और राजसिक गुण है, तो ये एरिया के अंदर तामसिक एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, तामसिक गुणों वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तामसिक गुण किसका है, राहु केतु शनि, ये तामसिक है, तो तामसिक चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे राहु केतु शनि की चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो तामसिक है। ठीक है, 25% तक ये वाला घर का जो टोटल वेट होता है उसका 25% तक का इस एरिया में हम वेट को रख सकते हैं,
वाटर फायर यहाँ का एलिमेंट हम इसको यहाँ पे दे सकते हैं, वाटर और एलिमेंट को फायर को दे सकते हैं, एयर तो उसका अपना एलिमेंट है ही, वाटर फायर दे सकते हैं, बाकी और कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। सॉफ्ट कलर इंडिगो कलर जो होता है वो इसका, सॉफ्ट इंडिगो कलर जो होता है दैट इज दी एक्चुअली इसको कलर, क्योंकि जब सूर्य उगता है ना तो जैसे जैसे सूर्य चलता आगे तो कलर चेंज करता है अपना, कलर चेंज करता है। तो पहले जो, पहले जैसे जो कलर आता श्वास में दैट कलर वाज लाइक अल्ट्रा वायलेट यूवी कलर काइंड ऑफ, अभी इंडिगो कलर काइंड ऑफ। तो ऐसे पित्त और कफ यहाँ की प्रवृत्ति है, पित्त और कफ यहाँ की प्रवृत्ति है। पित्त और कफ, ये जो प्रवृत्ति है ना ये बड़ी काम आएगी जब हम मेडिकल वास्तु करेंगे, मेडिकल वास्तु बहुत काम आएगी है। अब फर्स्ट हाउस जो है ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट हाउस करता है, फर्स्ट हाउस ये छोटे से इनसाइट ईस्ट के, ठीक है। अब फर्स्ट हाउस है जैसे हम हमारी अपनी ईगो, ठीक, हमारे अपीयरेंस, हमारे कनेक्शन, सोशलिज्म, तो फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट भी उसको रिप्रेजेंट करता है, ईगो, हमारी सेल्फ की ईगो। तो अगर हमारा फर्स्ट हाउस में इशू होगा तो ईस्ट में भी आप पाएंगे कि इशू पाया जाएगा, तो ईस्ट में भी कनेक्ट आपको वैसे ही पाया जाएगा। जो प्लेनेट हमारे फर्स्ट हाउस में बैठा होगा वैसे ही आप देखना, आपको ईस्ट में भी आपको एक्टिविटी के लिए लोग भी वैसे ही मिलेंगे ईस्ट से, ठीक है। ये इंटरलेट है, तो जैसा आपका फर्स्ट हाउस होगा वैसे ही आपको ईस्ट से कनेक्टिविटी भी मिलेंगे आपकी कुंडली के अनुसार। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड ईच टू ईच अदर, राइट। नाउ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद साउथ ईस्ट आएगा। साउथ ईस्ट अग्नि का जोन है, अग्नि देवता का जोन है, अग्नि देवता वहां पे माने जाते हैं, वीनस शुक्र उसका प्लैनेट है, अग्नि का प्लैनेट शुक्र है, ठीक है। अच्छा, जबकि शुक्र का जो अपना तत्व है ना वो वाटर एलिमेंट है, लेकिन फिर भी शुक्र को अग्नि देवता का उधर का प्लैनेट माना गया, क्योंकि अग्नि जो है अग्नि के अंदर एक आकर्षण की ऊर्जा है, और शुक्र भी आकर्षण है, शुक्र भी आकर्षण है, और आ, आ, किसी भी प्रकार के रिलेशंस के अंदर एक अग्नि का वास होता है, बिना अग्नि के वास के रिलेशनशिप नहीं होता। तो शुक्र की, तो अग्नि के जोन के अंदर जो आकर्षण कारक है वहां पे शुक्र, यानी कि एक तो आकर्षण ऊपर से अग्नि इजिकल टू शुक्र, ठीक है। फायर वहां का एलिमेंट है तो पता ही है हम सबको, पित्त, पित्त उसका दोष है, पित्त उसका दोष है, और रजोगुण उसका गुण है वहां पे, रजोगुण यानी कि राजसिक एक्टिविटी के लिए वो एरिया बहुत अच्छा है राशिक। और वो ये इस पे जो भार आ सकता है वो मैक्सिमम 50% ऊपर टोटल हाउस आ सकता है, इससे ज्यादा यहाँ पे वेट नहीं रहना चाहिए, यानी कि इस एरिया बहुत मतलब ठीक ठाक सामान रखा जा सकता है लेकिन बहुत भारी नहीं किया जा सकता इसको। फिर इसकी दोषा राशिक, इसका गुण है राशिक। कलर जो इसका आता है वो सॉफ्ट ग्रीन कलर का कलर आता है, इसीलिए जिनका साउथ ईस्ट कई बार अच्छा नहीं होता उनको बोला जाता है कि साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर कर लो, ठीक है। तो क्योंकि साउथ ईस्ट के अंदर सॉफ्ट ग्रीन कलर को किया जाता है, लाइक जैसे पिस्ता कलर, पिस्ता ग्रीन, इस टाइप का कलर वहां पे किया जा सकता है। और साउथ इसका जो भाव आता है वो आता है 11-12, 11-12, 12 भाव का आपको सबको पता है, 12वां भाव इज ए बेडरूम एक्टिविटी, 11th इज ए डिजायर फुलफिलमेंट। तो पैसे से डिजायर फुलफिलमेंट, कैश फ्लो, और 12 शुक्र इजिकल शुक्र दोनों में काम आता है, और डिजायर फुलफिलमेंट में भी, और रिलेशनशिप में भी, भौतिक जीवन में, विलासिता में भी। तो 12वां हाउस रिलेशनशिप शुक्र वहां पे काम करता है, तो 12वें हाउस को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो ना। शुक्र जो है हमारे टेस्ट का कारक भी है, टेस्ट, टेस्ट कहाँ से आता है, किचन, किचन जो है टेस्ट का कारक भी है, किचन से टेस्ट आता है। तो वहां पे अगर किचन इसलिए बनती, किचन फायर का भी एलिमेंट है, तो किचन वहां पे काम अच्छा करती है साउथ ईस्ट जोन में, ठीक है। दिस इज काम, कामनाएं, डिजायर, ये सब चीजें साउथ ईस्ट जोन से हम इसको रिलेट करते हैं। मेटीरियल वर्ल्ड की चीजें साउथ ईस्ट से हम रिलेट करते हैं, आकर्षण की चीजों को साउथ ईस्ट से हम रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर प्राण ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाती है तो प्राण ऊर्जा से आने वाली से जो अगला पैसे का हाउस होते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्राण ऊर्जा है ईस्ट, अगर ईस्ट प्राण ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाती है तो प्राण ऊर्जा के डिस्टर्ब होने से हमारी अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि पैसे भी डिस्टर्ब हो जाता है, मनी का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, मनी में विघ्न आता है और समस्या पैदा होती है। और पानी
पानी यहाँ पे आपको बुझा देगा, पानी यहाँ पे आपको दिक्कत देगा, तो इसलिए दैट वाटर इज ए एंटी एलिमेंट फॉर दैट, ये आप सबको पता ही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सब चीजें जो सबको पता ही है, साउथ ईस्ट में जो चीजें जो एंटी एलिमेंट सबको पता है ये सब चीजें, तो बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन टू दी एडवांस लेवल। साउथ ईस्ट में स्टोर नहीं होना चाहिए, शनि का होता है स्टोर, टॉयलेट राहु का होता है, ये सब चीजें हम एडवांस लेवल पे हमें पता है ऑलरेडी। नाउ कमिंग टू दी मतलब इलेवंथ हाउस के लिए, तो खासतौर से इलेवंथ हाउस में तो ये होनी नहीं चाहिए। इलेवंथ हाउस में राहु अगर बैठा भी है किसी का, तो बट राहु इलेवंथ हाउस को रिप्रेजेंट करके साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए कभी साउथ, वो तो यू नो दैट द रिजल्ट एंड द इश्यूज। नाउ तो बारहवें हाउस की बात अगर आती है, तो बारहवा हाउस की चीज का बेड प्रेजेंस का है, इंटीमेसी का है, कपल कपल सुख का है, तो यहाँ पे शनि की जो प्लेसमेंट है वो इसके अंदर डिटैचमेंट पैदा करती है। शनि की जो चीजें होंगी वहां पे डिटैच, क्योंकि शनि सुस्त है, शनि नीरस है, शनि नीरस है, तो शनि जो है जो एक रिलेशनशिप है उसके अंदर विघन पैदा करेगा, दिक्कत देता है, तो शनि की एक्टिविटीज यहाँ पे इसलिए मना कर दी जाती है। ना अगला आता साउथ, साउथ के अंदर मंगल उसका प्लैनेट है, ये बात पता है, यमराज की देवता जो है यमराज की, और मंगल जो है तामसिक है, और मंगल राशिक भी है, क्योंकि मंगल जो है सेनापति है तो राशिक है, मंगल क्योंकि ताकतवर है, मंगल क्योंकि मस्कुलर मैन है तो तामसिक भी है, तो मंगल की जो गुण धर्म हुए वो है तामसिक और राशिक दोनों, मंगल में तामसिक और राशिक दोनों एक्टिविटी आएगी, मंगल में सात्विकता नहीं है, मंगल में सात्विकता नहीं आती है, तो दसवां हाउस जो होता है मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और इसका अग्नि और अर्थ, अग्नि और पृथ्वी ये इसका एलिमेंट है, दोनों मिला के इसका एलिमेंट बनता है, और इसको जनरली हम इसका जो दोष माया था पितृदोष, पित दोष, इसका दोष माया जाता है, गर्म जोन है ये, गर्म है और अग्नि का जोन है तो गर्म ही है, ठीक है, ऑरेंज हॉट कलर, ऑरेंज हो या फिर रेड कलर, रेड हॉट कलर, इसके कलर जनरली माने जाते हैं, ऑरेंज कलर को यूज कर लेना चाहिए, ऑरेंज कलर क्योंकि हॉट कलर नहीं इतना होता, इट्स अ बेटर कलर, ऑरेंज कलर कैन बेटर यूज, जिसको मंगल को ठीक करना हो अपना तो ऑरेंज कलर को यूज करके थोड़ा बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और मंगल की इस जोन के अंदर मतलब इसे इट्स ए जोन, कालपुरुषी कुंडली पे अगर देखा जाए, कालपुरुषी कुंडली पे अगर देखा जाए तो मंगल का जो जोन है वो लाइफ का जोन है, मतलब इधर एंड ऑफ लाइफ या का जोन है वो, क्योंकि वो यमराज की जोन है, तो मंगल जो है डेथ, लाइफ एंड डेथ की जोन है, एक तरीके से लाइफ एंड डेथ की जोन है, तो क्योंकि मंगल एक्सीडेंट भी देता है, मंगल दिक्कत भी देता है, तो दसवा भाव से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, दसवें भाव की जगह से हम इसको रिलेट करके अपनी कुंडली को थोड़ा बेटर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मंगल का और क्या काम है, मंगल का, मंगल जो है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ऊर्जा है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो ऊर्जा यहाँ पे ठीक मानी आती है, ऊर्जा ऊर्जा को यहाँ पे लगाया जा सकता है, एनर्जी है यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में, कोई ऐसी एक्टिविटी जो हीट की एक्टिविटी, जितनी भी हीट की चीजें हैं सब लगाई जा सकती है, तो आपको पता ही है बेसिक्स का पार्ट है ये, ठीक। यमराज जो है मृत्यु देवता, यमराज जो है, यमराज भारत को मृत्यु देवता भी माना जाता है, तो इस जोन के अंदर अगर कोई फियर फैक्टर किसी को बनता हो, कोई डर लगता हो, तो इस जोन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जो फियर फैक्टर मृत्यु भय जो आता है वो इसी जोन से आता है, तो यहाँ पे एंटी एलिमेंट होने की संभावनाएं हो सकती हैं, ऐसे में ऐसे व्यक्ति को फियर फैक्टर लग सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को नॉर्मली नॉर्थ में या वहां यहाँ पे जो एंटी एलिमेंट है साउथ के अंदर उसको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि डर जो भय बनता है वो इंसान को मृत्यु का या मृत्यु जैसा, मृत्यु तुल्य कष्ट जैसा भय जो होता है वो इंसान को सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, सबसे ज्यादा समस्याएं पैदा करता है, तो फियर फैक्टर के लिए ऊपरी ऊपरी समस्या है जो कई बार आ जाती है, ऊपरी बाधाएं भी आती हैं, उन सब चीजों का रिलेट करता है ये वाला जोन। नॉर्मली साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट का जो जोन होते हैं और मंगल के जो जोन होते हैं ये नॉर्मली रिलेट करते हैं ऊपरी बाधाओं को भी, क्योंकि भय है ना सारे ये, ठीक है। कर्म का भय है, कर्म का भाव है, कर्म का भाव ये रिलेट करता है तो कार्मिक एरिया है सारा ये, ठीक। मंगल मंगल का जोन है अग्रेशन, पितृ का जोन है तो इसको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए हमारे को। इसके बाद जो अगला एरिया आता है वो आता है साउथ वेस्ट,
अगला एरिया जो आता है वो आता है हमारा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या है? साउथ वेस्ट राहु का निरुत्य कोण है। साउथ वेस्ट राहु, राहु तामसिक है, प्योर तामसिक। तो राहु प्योर तामसिक है, हॉट जोन है, ठीक है, हॉट जोन है, डार्क जोन है। डार्क जोन का स्टार्टिंग पॉइंट है डार्क जोन का। राहु, राहु को धुआं भी बोला जाता है, धुआं आता है तो उसको रिवर्सल एड किया जाता है। अर्थ इसका एलिमेंट है, ये आपको सबको पता ही है। 100% हैवी वेट को आप रख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जितना भारी सामान रखना चाहो उतना भारी रखो। मैंने साउथ के अंदर शायद बताया नहीं है, साउथ के अंदर जो हैवीनेस आप रख सकते हो नॉर्मली वो 75% तक हैवीनेस उसको मेंटेन कर सकते हो साउथ के अंदर। ये एक मोटा मोटा एक आइडिया सा है, 75-50%, ऐसा कोई ऐसा मापतोल नहीं है, बट एक थोड़ा एक रफ आइडिया के लिए, आइडिया देने के लिए ये, ठीक है। तो इसको ऐसे किया जाता है। साउथ का जो जोन है ये साउथ वेस्ट का जो जोन है प्योर तामसिक, तामसिक एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा जोन है। जितनी भी तामसिक क्रियाएं होती हैं, जो जो लोग वो तंत्र मंत्र की एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का जो जोन है तंत्र मंत्र की एक्टिविटी के लिए अच्छा जोन माना जाता है, क्योंकि राहु का जोन है तामसिक एक्टिविटीज का जोन है। तो यहाँ पे लोग करते हैं, या वेस्ट में लोग करते हैं, वेस्ट के एरिया में जो तंत्र मंत्र के लोग करते हैं एक्टिविटीज। तो साउथ वेस्ट के जोन के अंदर अगर हम वेस्ट की तरफ चलेंगे तो भाव आठवां भाव साउथ वेस्ट का और नौवां भाव, आठ और नौवां भाव जो है जॉनली साउथ वेस्ट के देखे जाते हैं। एक चीज भी बताता हूँ मैं आपको, साउथ वेस्ट का आप सबको बता है बेसिक में, साउथ वेस्ट जोन इज ए जोन ऑफ स्किल्स एंड दी यू नो गेट रिलेशनशिप प्रोफिशिएंसी, सॉरी क्या बोले, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप है वो ठीक है, बट प्रोफिशिएंसी मतलब किसी चीज के ऊपर ग्रहण विद्या, अध्ययन, स्किल्स डेवलपमेंट, ठीक है। और इस ये मिलती है आठवें भाव से नौवें भाव से। पीएचडी हमेशा आप करते हो ना आठवें भाव से, पीएचडी या रिसर्च एक्टिविटी, ठीक। नौवें भाव से आप पढ़ते हो किसी रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर कोई ग्रहण विद्या, ठीक। तो और दूसरा रिलेशनशिप की जब बात आप करते हो तो आठवां हाउस जो होता है वो हमारे गुप्तांग का होता है आठवां हाउस, और हमारे जो है इन-लॉज कभी आठवां भाव देखा जाता है सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए भी, तो उसको भी आठवां हाउस से रिलेट करते हैं। रिलेशनशिप जब हम बात करते हैं बॉन्डिंग की, आठवां हाउस भी वहां पे योगदान देता है। नौवां हाउस तो लक है ही, वो तो हम सबको पता ही है, ठीक है। आठवें हाउस के अंदर बाकी एक्टिविटीज के अंदर तो मतलब जो बेसिक की एक्टिविटीज है वो आपको पता है, मास्टर बेडरूम हो सकता है, मुख्य का जगह हो सकती है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट बात ये कि तामसिक एरिया है ये। तामसिक होने की वजह से यहाँ पे जो व्यक्ति रहेगा वो व्यक्ति या तो हेड ऑफ द फैमिली रहे, जो ऐसा व्यक्ति रहे जो कि अपना मतलब दबदबा बना के रखना चाहता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति रहना चाहिए जो जो हुक्म चलाए। अगर ऐसा व्यक्ति को वहां उठा दिया जो हुक्म नहीं चला रहा, फिर उठा दिया तो हुक्म वो चलाएगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर दिक्कत होगी। हुक्म चलाने वाला व्यक्ति वहां बैठे इसलिए बोला था हेड ऑफ द फैमिली वहां बैठे, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। बच्चों को वहां बैठा दिया जाए तो बहुत दिक्कत होगी, बच्चे वहां पे अपने आप को हेड बना लेते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए हमेशा हेड ऑफ द फैमिली ही वहां रहे तो अच्छा रहता है, नहीं तो दिक्कत होती है। बाकी ये एरिया तामसी एक्टिविटी के लिए एरिया है। इसके बाद आता है साउथ वेस्ट के बाद आता है वेस्ट एरिया। साउथ वेस्ट के बाद आएगा वेस्ट जोन। इसका कलर बताया, किसका क्या बताया, कलर फॉर साउथ वेस्ट, कलर फॉर साउथ वेस्ट मैडम सेम आएगा, येलो ही आएगा, क्योंकि वो तो मैंने दो सूर्य के उगते हुए कराते हैं इसलिए मैंने वहां पे वो बताए थे। बाकी तो सूर्य जैसे जो उगेगा वो लाल आ रहा पीला चलता रहेगा आपके यहाँ। सर दोष नहीं बताया, मैंने दोष बताया ना, तामसिक एक्टिविटी है वहां पे, ओके तामसिक है, और साउथ वेस्ट का जो दोष है वो पित्त, पित्त पित कफ में से नहीं बताया सर। जो जोन आएगा वात पित्त कफ में, वात पित्त पित्त कफ, वो वात और पित्त दोनों आएगा, वात और पित्त, वात और पित्त दोनों आएगा ये, ओके वात और पित्त दोनों आएगा। लाइट कहिए पत्ते में, ठीक है, वात और पित्त दोनों आएगा। और दूसरा गुप्त विद्याओं का स्थान आठवां स्थान होता है, आपको पता है सबको गुप्त विद्याओं का। तो
साउथ वेस्ट से हमारे अंदर एक स्किल जो कि एक ऐसी स्किल जो अंदर की डेवलपमेंट होती है हमारी अंदर की ज्ञान, मतलब एक परिश्रम, एक रिसर्च, एक इंसाइट्स जो ज्ञान होता है वो भी साउथ वेस्ट से हमारे को फिर मिलता है वहां से। ठीक है, वेस्ट पे आते हैं हम। वेस्ट पे, वेस्ट का जो जोन है शनि का जोन है, वरुण देवता का जोन है वेस्ट, और उसका जो जो उसका गुण है वो है राशिक और तामसिक दोनों, राशिक और तामसिक दोनों, क्योंकि वरुण देवता जो है वो राशिक गुण है और शनि जो है तामसिक है, तो वहां का जो गुण है राशिक प्लस तामसिक दोनों गुण है, और 75% तक वेट उसको वहां पे कैरी किया जाता है। उसका जो वो उसका जो दोष है वो वात और कफ दोनों है, वात और कफ उसका दोनों दोष में आता है, प्लस वो शनि क्योंकि डार्क है अंधेरा है तो डार्क जोन है, एयर अर्थ एलिमेंट उसका एलिमेंटल कंट्रीब्यूट होता है, एयर मेनली होता है बट उसका अर्थ भी वहां पे कंट्रीब्यूट करता है, तो एयर अर्थ एलिमेंट वहां का एलिमेंटल कंट्रीब्यूशन होता है। और सेवंथ हाउस से हम नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस हमारा जैसे स्पाउस का, बिजनेस पार्टनरशिप का, ठीक है, और हमारी रेगुलर इनकम का, इस चीज का सेवंथ हाउस हम देखते हैं, तो इसको सेवंथ हाउस से हम रिलेट करते हैं। नॉर्मली शनि जो है मॉरल ड्यूटी है, डिसिप्लिन है, और कोई भी जजमेंटल, शनि इज अ जजमेंटल प्लैनेट जो परीक्षित करने वाला एक्टिविटी भी है, जो भी है, तो शनि की जो एक्टिविटी है वो सेवंथ हाउस को अगर आप रिलेट करोगे तो मॉरल एथिकल वैल्यूज को कनेक्ट करता है, इसलिए सातवां हाउस पार्टनरशिप का हाउस है, पहला हाउस का हाउस है जो कि मॉरल वैल्यूज को कनेक्ट करता है। अगर मॉरल एथिकल वैल्यूज नहीं होंगी तो ऑब्वियसली वहां पे दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, फिर समस्याएं आती हैं, दैट गिव्स इश्यूज। और जो वरुण देवता का एक एट्रीब्यूट होता है वो रहता, इट इज एन अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, तो सेवंथ हाउस जो अनप्रिडिक्टेबल को माना गया वो इस तरीके से कि वो मारक भाव भी है, इट्स अ मारक हाउस सेवंथ हाउस, तो थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है, लेकिन अगेन सेवंथ हाउस शनि के हिसाब से अगर रिलेट करोगे तो शनि के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज मॉरल एंड इथिकल मेन इंपॉर्टेंट पार्ट टू कनेक्ट विद सेवंथ हाउस। ठीक है, इसके बाद इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का जो जोन आएगा, नॉर्थ वेस्ट का जोन वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है वो वायव्य कोण हमें पता है, वायव्य कोण चंद्रमा का जोन है, वायु उसका देवता है वायु, और ये राशिक है, चंद्रमा जो है राशिक प्लैनेट है, तो राशिक इसका गुण मूल धर्म एरिया है, तो इसका जो वजन यहाँ पे करने की कैपेसिटी है वो नॉर्मली 50% तक है, और ये ठंडा एरिया जोन है, ये मतलब कोल्ड जोन ये माना जाता है, इसका जो एलिमेंटल फैक्टर है वो हवा है, एयर है एलिमेंटल फैक्टर इसका, और इसका जो नॉर्मली देखते हैं वो 5 और 6 नंबर देखते हैं, 5th हाउस 6th हाउस से हम इसको जनरली देखते हैं। ठीक, और 6th हाउस तो हमारे को पता है, 5th हाउस इंटेलिजेंट चिल्ड्रंस का, 6th हाउस हमारे रिंग रोड शत्रु से हम रिलेट करते हैं, और 7 अगर नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें खराब हो जाता है तो नॉर्मली इंटेलिजेंस लेवल में दिक्कत आती है, या फिर हमारी स्पोर्ट सिस्टम वीक हो जाता है, यानी कि बच्चों का हाउस स्पोर्ट का भी है तो वो भी डिस्टर्ब होता है, प्लस ऋण रोग, ऋण मतलब बैंकिंग एक्टिविटीज, तो ऋण के अंदर भी दिक्कत वहां से शुरू होती है, जिससे रोगों का के लिए भी दिखा जाता है, क्योंकि वो है असुरों का है, नॉर्थ वेस्ट में असुर देवता वास करते हैं, ठीक, वहां से भी रिलेट कर सकते हैं। अगला आएगा नॉर्थ, आखिरी है नॉर्थ, नॉर्थ का जो जोन है वो बुध का जोन है, बुध कुबेर उसका वहां का देवता है, और इसके अंदर राशिक और सात्विक, इसके अंदर राशिक और सात्विक, क्योंकि बुध जो है वो सात्विक है, बुध को सात्विक, गुरु और बुध ये दो सात्विक प्लैनेट माने जाते हैं, गुरु और बुध, और कुबेर को राशिक में आता है, धन है ना, धन हमेशा राशिक में आएगा, धन तो राशिक से लेता है, पॉजिटिव जोन है 50% तक वेट को कैरी कर सकता है, और कोल्ड जोन है, चौथा भाव जो है सुख भाव जो है वो इस जोन को रिलेट करता है। चौथा भाव जो है सुख भाव है वो इस जोन को रिलेट करता है इससे, ठीक है, और
चौथा भाव हमारे को पता ही है, हमारी माँ का सुख, घर बार घर वाहन इनका सबका सुख, स्लीपिंग का सुख, सोने का सुख, सबका सुख जो है इससे रिलेट करता है। नॉर्थ का जोन उससे फिर कनेक्ट करता है और उससे हम उसको रिलेट कर सकते हैं नॉर्थ को। इसके अलावा हमारे ये अच्छा चार हो गए, आठ आई थिंक, हाँ आठ हो गए हमारे ये आठ जोन हो गए। आठ जोन के अंदर छोटी छोटी चीज इंफॉर्मेशन थी है जो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, ये कैसे होती है। और इसमें ये आपने लिख लिया, आई थिंक ये सब आपने जो पिक्चर लिखी है, ये पिक्चर को आपने मैंने बता ही दिया, पिक्चर भी आपने नोट कर ही लिए सारी है, आप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से इंसाइट्स थे फॉर रिलेशनशिप, फॉर रिलेटिव।